बोल सकता है अभी, जिसको जो बोलना है, कोई डाउट है वो भी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया। जैसे अब ये मेरे अंदर एक नया टैलेंट टाइप का जैसे कह सकते हैं वो हो गया है, ग्राफोलॉजी। और अगर मुझे कोई स्कूल में आके कोई भी कोई बोलेगा कि मैं ऐसे हूँ वैसे नहीं हूँ, तो मैं उससे उसकी कॉपी मांग लूंगी बस, कि मैं ओके उसको एनालाइज करके उसके ऊपर मैं ट्राई करूँ कि मेरी ग्राफोलॉजी की नॉलेज उस पर वर्क करती है कि नहीं, कि वो कैसे टाइप का है। और अगर मैं किसी से फ्रेंडशिप करूंगी तो ये देखने के लिए कि वो मेरे जैसा है या नहीं, मेरे अब डिमांड लिस्ट में उसकी हैंडराइटिंग की कॉपी मस्त हो जाएगी। वेरी नाइस। तुमने बहुत ही प्यारी बात की श्रीजा बेटा, बट हमको ये बात एक अंडरस्टैंड करनी है, हमको किसी को भी चेक करना है ना, तो सिर्फ मुझे उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, वो उसको दूसरे तरह चेक करने के लिए हमें इसको नहीं यूज करना, ओके, ताकि मेरे साथ उसका कंपैटिबिलिटी हो जाए, बस उसकी वीकनेस को चेक करने के लिए नहीं, बिकॉज हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, ओके बेटा, राइट। और यस सब मैम, सबसे पहले आपको किसी की नोटबुक नहीं मांगनी, सबसे पहले हमको अपने पे काम करना। और अगर आपके पास कोई लेके आए ना बेटा, बताओ आपकी परमिशन के बिना अगर कोई आपकी चीज उठाए तो अच्छा लगेगा आपको, नहीं लगेगा ना बेटा? बट यस, आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो और वो आपको उससे करना है या नहीं, तो आप उसकी परमिशन से ले सकते हो, ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू। अभी बाकी और कोई कोर्स के बारे में कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, यस, या कुछ भी बोलना है मैम आपका। मुझे कोर्स बहुत अच्छा लगा और बहुत इंटरेस्टिंग और फन भी सुहाने था। और जी, मेरे को लगता है अगर मैं ये सारी चीजें अप्लाई करूंगी तो फिर मैंने एक दो चीजें तो अप्लाई कर ही ली है और मेरे को अफेक्ट दिखा भी अपने आप। तो इफ आई अप्लाई ऑल द थिंग्स then I think I will grow a lot in life and thank you ma'am for teaching me all of this so that I can become bigger. So thank you. मैं थैंक यू बेटा। जरूर बोलना चाहूंगी, जी मैम, मैं बोलने का मौका नहीं छोड़ती। और आप तो मेरे गुरु हो, आपको हक है। एक्चुअली बहुत अच्छा डिजाइन किया है और मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत एंजॉय करके सीखे हैं। और जो अभी लड़की का नाम मुझे नहीं पता, सुहानी लेकिन उसने जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के साथ आप बच्चे जैसा होके सब कुछ दिया है ना, तो बच्चों ने लिया है, आई कैन फील कि बच्चों ने लिया है, तो वो बच्चे जरूर ग्रो करेंगे। थैंक यू और मैम, बच्चों थैंक को यू। भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, ये थैंक मेरे यू। मैम बोल रहे हैं आपको, सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी मान फिजा बेटा, आप बोलिए कुछ। आप पूरे बिल्कुल शांत रहते हो तो मैं चाहूंगी कि आप बोलिए, कुछ बोलो। मैम मुझे बहुत मजा आया, बहुत चीजें सीखने को भी मिली, आप बड़े अच्छी तरह से सिखाते हो, वैसे यूजली टीचर्स इतने अच्छी तरह से सिखाती नहीं है। और मैम मुझे बहुत मजा आया, मैं आपकी क्लास फिर से ज्वाइन करना पसंद करूंगी। हाँ जी मीना मैम, जी जी मैम, मैम बहुत अच्छा था क्लास, ऑल्दो हमने ग्राफोलॉजी किया हुआ है फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेलकम मैम। हिमांशु, मैम। मैं भी बोलू, यस हाँ, मेरा बच्चा क्यों नहीं बोलेगा, ठीक है बोलो। मैम मुझे भी कोर्स जो है आपने करवाया बहुत अच्छा लगा। मैं शुरू से ग्राफोलॉजी करना चाहता था मगर अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से नहीं कर पाता था, तो आपने मुझे इस बार ग्राफोलॉजी धक्के से जैसे मर्जी करवा दिया और मैंने कर लिया, और मैं जरूर सारी चीजें अप्लाई करूंगा और IIT में सिलेक्ट हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच हिमांशु, और तुम पक्का हो जाओगे और सभी का ब्लेसिंग मिलेगा। सभी प्लीज आप अपनी ब्लेसिंग देना कि मेरा हिमांशु IIT करे। और कल हिमांशु ने मेरे लिए एक बात भी कही थी, कह रहा आज मैं अपनी मम्मा को देख रहा हूँ, सभी मम्मियों के लिए, कि मेरी मम्मा ना एक वर्ड भी बोल नहीं पाती थी और अभी कैसे कैसे कोई भी बात को एक्सप्लेन करके बोल देती। ये मुझे मेरे बेटे से कल कॉम्प्लीमेंट मिला था। थैंक यू हिमांशु। लक्की पेरेंट्स एंड लक्की चाइल्ड। यस मैम। जैस्मिन आप भी बोलो कुछ। यस
मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मतलब मम्मा पर बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। मम्मा कभी भी कुछ बोल नहीं पाते थे, आज वो ऐसे मतलब बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू जैस्मीन, और ये सब आपकी वजह से है और ये बाकी बच्चे भी। ठीक है, थैंक यू। अब ये हमारा आशीष बोलेगा कुछ, कशिश है बोलो। हाँ भी बेटा कशिश। मैम, मुझे आपके जो लेक्चर थे, मेरे जो डाउट थे वो सब क्लियर हो गए हैं। मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। जी थैंक यू बेटा, थैंक यू। वो देखो आशीष ने ना वीडियो मोड ऑफ कर दिया कि मुझे बोलना ही ना पड़े। ठीक है मैम मैं कुछ सुनीता मैम, यस क्यों नहीं बोलेंगे, मैम बोलिए। आपने बहुत अच्छे से सिखाया है पूरे कोर्स में, मतलब इवन ग्राफोलॉजी होते हुए आपने बहुत सारी चीजें सीखी है और आपने इतने प्यार से सिखाई है कि मजा ही आ गया। थैंक यू। ये मैम भी ये भी अच्छी बात है, कम ग्रेफल। से कम आपने ऑनलाइन शुरू करा, नहीं तो हम आपके सिटी तक तो नहीं पहुंच पाते। थैंक यू मैम, और मैम भी बच्चों को भी मिला। ग्राफोलॉजिस्ट हाँ, कोई ना, यस। आपने जैसे करा है ना बच्चों के साथ, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ था कोर्स, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू हाँ, मैम। पूजा मैम आप भी बोलिए ना ऑल द कुछ। बेस्ट। थैंक यू मैम, आपका कोर्स ना सच में बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे से आपने उसको ऑर्गेनाइज किया था, और जैसे कि मैं भी सोच रही थी ऐसे कुछ करवाने का, और मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे कैसे डिजाइन करना है अपना सिलेबस, तो वो बहुत अच्छा लगा। और एक कुछ जैसे कहते हैं ना कि हम कई बार कुछ डिटेल्स मिस कर देते हैं जब हम लर्न करते हैं, बिल्कुल वहां आके वो चीज क्लियर हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल आर लर्नर, और हम जब तक डेफिनेटली हैं यहाँ पे तब तक हम लर्न ही करते रहेंगे। तो जो आपका वो डेफिनेटली तरीका और जो डाउट मेरा क्लियर हुआ ना, वो बहुत ही अच्छा था, और मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि आप जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, किड्स हैं, वो आगे अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करो, और अभी से आप यू आर ब्लेस्ड कि आप लोगों को अभी से इस चीज की नॉलेज मिल रही है। तो बिल्कुल आप लोगों का जो टेक्नोलॉजी है और जो साइंस ही अभी इवॉल्व हो रहा है, इससे आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, और आप अपनी फैमिली में भी लोगों को काफी अच्छा साइकोलॉजिकली मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल है, थैंक बिल्कुल मैम, यू मैम। थैंक यू मैम। और मुझे भी और भी मिली है मोटिवेशन इसको और चेंज करने की, तो डेफिनेटली मैं भी करूंगी। और लतिका मैम थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, कुछ बोलेंगे आप भी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड आई एम एक्चुअली वेरी मच थैंकफुल दैट यू हैव एडेड मी टू दिस कोर्स। आई वुड लाइक टू एक्चुअली टेल दैट द कोर्स वाज वेरी 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 ब्यूटिफुली डिजाइंड एट द चाइल्ड लेवल फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। लाइक यू हैड टू इन द कोर्स 7 year ओल्ड चाइल्ड, 8 year ओल्ड चाइल्ड, एंड इवन 14, I think 16, yes. 14-year old children. So the course is designed in that way that each and every child has grasped it very well. And 200% I can say that each and every child is going to adapt this graphology in their life. So all the best to all the children, and thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. और हमारे गुरमन जी भी कुछ बोलेंगे। गुरमन गुरमन आपके लिए मैं ये बोलूंगी कि आपसे मेरी बेटी इंस्पायर होके रोज थेरेपी करती है। उसने बोला 8 year का बच्चा कर सकता है, तो मैं भी करूंगी। गुरमन किधर गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा, भी आया था। तो पंकज जी आप, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, आज इसके मम्मा। मैम हाँ जी बोलिए। मैम मैं ग्राफोलॉजी के पैटर्न्स ना रोज करता हूँ, मुझे मुझे अच्छा लगता है ग्राफोलॉजी। मम्मा जब से सीखी ना तब से मैं मम्मा को रोज पूछता रहता तो, मम्मा क्या करते हो आप, कैसे पैटर्न है ये, वेरी ग्रोथ नाइस। के लिए कौन सा है, प्रोग्रेस के लिए कौन सा है, तो कॉन्फिडेंस के लिए कौन सा है, फोकस के लिए कौन सा है, तो फिर मैं रोज ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, तो मम्मा उसके आंसर बताते रहते मेरे को। देखो तो मम्मा भी ग्रो कर रही है और बेटा भी, है ना। के पैटर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू बेटा। किसी को बोलना है और तो अमरजीत मैम आप। मैम हाँ बेटा बोलो। कल मैंने मिस किया ना, कोई मैं ठीक नहीं था ना इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, आप रिकॉर्डिंग देखना नेक्स्ट क्लास में, अभी तो लाइफ टाइम के लिए फ्री है आपको मेरी क्लास, कभी भी आइए। ठीक है, बहुत बार लगाएंगे।
यस मैम मैं करूंगा करूंगा जी जी हाँ जी मैम बहुत अच्छा लगा मुझे तो अच्छा लगा पता था लगेगा पर जो बच्चों को मैं लाई थी मुझे पता था उन्हें अच्छा लगेगा लेकिन मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल था yes, yes. आगे जैसे मनफिजा ने भी कहा उसे अच्छा लगा कशिश ने कहा अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा और अच्छा लगा yes, ma'am. Yes. बहुत और बड़ा एंजॉय किया बड़ी छोटी छोटी बातें थी जो हमें नहीं पता थी मतलब दोबारा से हमारा रिवीजन भी हो गया और पता लग गया कि छोटे बच्चे को कैसे हैंडल करना है थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम थैंक यू पंकज जी आप भी बोलिए ना आप कभी नहीं बोलते पिछली बार भी नहीं बोले थे आइए बोलिए क्योंकि ये मेरे को ना बैक एंडिंग से जैसे अमरजीत मैम सपोर्ट करते हैं ना तो ये मेरे स्टूडेंट मुझे सपोर्ट करते हैं तो ये क्यों नहीं आने चाहिए पिक्चर पे आगे आने चाहिए मैम आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें तो हैंडल किया ही था पर छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छे से लर्न करा लिया है थैंक यू सो मच ऐसे आगे चलाते रहिए हम भी आगे आपके क्लास में ज्वाइन होते रहेंगे थैंक यू सो मच सर थैंक यू नमन बेटा आप भी आइए बोलिए यस नमन बेटा यस मैम थैंक यू मैम बहुत अच्छी तरह से आपने कराया सब समझ में भी आ गया और बहुत सारी चीज़ें जो मतलब होती है जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके सोल्यूशन मिले तो अभी करके भी स्टार्ट किया है पर अभी धीरे धीरे कैसे आगे होते हैं देखते हैं थैंक यू आपको विद इन मंथ मिलेंगे बिकॉज आप तो अभी आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है ना तो आपको बहुत जल्दी मिल जाने वाले थैंक यू मैम वेलकम बेटा